नाना नानी के यहाँ आए हुए गोपी मीनू को बहुत ही मजा आ रहा था। दिन भर तो उनका टाइम खाने पीने घूमने और गप्पे बाजी में निकल जाता। रात होने पर उन्हें और भी मजा आ जाता, क्योंकि गांव में लाइट ना होने की वजह से रात होते ही चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता। उस अंधेरे में उन्हें लुका छिपी गेम खेलने का मजा ही आ जाता। आज भी शाम होते ही वे उस गेम की चर्चा में लग जाते हैं। हे फ्रेंड्स, कल की तरह आज भी रात को हम लोग लुका छुपी खेलेंगे ना? क्यों, तुम्हें कल बहुत मजा आया क्या? हाँ, हमारे शहर में तो आधी रात को भी दिन के जैसे उजाला होता है। क्यों, क्या वहाँ सूरज नहीं डूबता? सूरज डूबता है, पर वहाँ चारों तरफ इतनी लाइटें ऑन हो जाती हैं कि अंधेरे का पता ही नहीं चलता। और यहाँ तो कल लुका छुपी खेलते हुए मैं इसके बगल में ही छिपी खड़ी थी और इसे दिखाई ही नहीं दिया। मजा आ गया था। क्या हो रहा है गोपी मीनू? पापा, हम लोग रात को लुका छुपी खेलने का प्लान बना रहे हैं। अरे कल भी तो खेला था। आज भी खेलेंगे पापा, यहाँ अंधेरे में कोई किसी को दिखाई नहीं देता, मजा आता है। ओह, यानी नानी के गाँव में पूरा इंजॉय कर रहे हो। हाँ पापा, ये हॉलीडे तो हमेशा याद रहेगा। ओके, तो एंजॉय करो। हाँ सो फ्रेंड्स, अंधेरा हो रहा है, लुका छुपी शुरू करें। चलो। और वे सभी लुका छुपी खेलने लगते हैं। गांव का एक लड़का दाव देता हुआ गिनता है। मीनू गोपी और बाकी सभी भाग भाग कर छिप जाते हैं। मीनू वहीं आंगन में लेटे पापा के पलंग के नीचे छिप जाती है। संभल के मीनू, जब तुम इसके नीचे छिप रही थी तभी मैंने तुम्हें इशारा किया था कि इसके नीचे ना छुपो, सर्वर में लग जाएगा, पर मेरे इशारे की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। पर पापा, ये भी तो कल पलंग के नीचे छिपी थी, एकदम स्पीड में बाहर आई, इसे तो नहीं लगा। बेटी, इसे पलंग के नीचे से निकलने की आदत है, इसे इसकी हाइट का अंदाजा है, इसलिए ये उस हिसाब से झुक कर स्पीड में बाहर आ जाती है। तुम्हें आदत नहीं है इसलिए। काश मैंने आपका इशारा देखा होता तो अभी मुझे ये दाव नहीं देना पड़ता। कहो तो मैं फिर से दाव दे दूं? नहीं, गेम के रूल से ही खेलेंगे। मैं दाव देती हूँ, तुम लोग छिपो। सांप? मी? हाँ? पापा! अरे अरे, क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, फिर क्यों रो रही हो? पापा, आपने उसे मारा क्यों नहीं? बेटा, अगर मैं उसे मारने या पकड़ने की कोशिश करता तो वो मीनू को काट लेता। पर फिर भी उसने मुझे काटा क्यों नहीं पापा? वो तो चुपचाप मुझ पर से उतर गया। बेटी, क्योंकि तुमने उसे कुछ नहीं किया, ना तुम उसे देखकर डरकर भागी ना चीखी। अगर तुम उसे डरकर भागती या चीखती तो वो भी घबरा जाता और अपने बचाव के लिए वे तुम्हें काट लेता, लेकिन तुम चुपचाप खड़ी रही तो वो पेड़ के तने से उतरता हुआ तुम पर पहुँचा, तो वो तुम्हें भी पेड़ के तने का हिस्सा समझता हुआ बड़ी ही शांति से तुम पर वैसे ही उतर गया जैसे पेड़ के तने से उतर रहा था। मैं समझी नहीं पापा। मगर गांव के सारे बच्चे समझते हैं, तभी तो वे लोग बेफिक्र होकर अंधेरे में भी खेलते रहते हैं। एक बात याद रखो बेटा, कोई भी जानवर हो, अगर तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तभी मीनू डरी डरी सी बाहर से आती है और कहती है, पापा आपने आज ब्रेकिंग न्यूज सुनी? कौन सी ब्रेकिंग न्यूज? हमारे शहर की कई सोसाइटीज में खतरनाक भूत आने लगे हैं। आधी रात को सोसाइटीज में उनकी भयानक चीख सुनाई देती है। क्या, भूतों की चीख? हाँ पापा, मुझे तो बहुत डर लगता है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? डरने की तो बात ही है पापा, भूतों का क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पलक झपकते कहीं भी आ जा सकते हैं। है? यहाँ कैसे आ जाएगा? क्यों नहीं आ जाएगा पापा, मैंने सुना है वो हवा में उड़ते हैं, चुटकी बजाकर गायब हो जाते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर हमारी सोसाइटी में आना कौन सी बड़ी बात है। क्या कर रहे हो पापा, किसी तांत्रिक को बुलाओ ना, मैंने सुना है तांत्रिक अपने जंतर मंतर से भूत को पकड़कर बोतल में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। पहली बात तो ये है बेटी कि भूत भूत कुछ नहीं होते, ये इंसानों का वहम है। होते हैं पापा। अगर होते होंगे और हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे तो डोंट वरी, मैं आज ही एक तांत्रिक को फोन करके बोलता हूँ, वो आकर उसे पकड़कर बोतल में बंद करके समंदर में फेंक देंगे। ओके
थैंक यू पापा। शाम को मीनू अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, तभी पापा आते हैं। मीनू बेटे, तुम तैयार नहीं हुई? हमें शर्मा अंकल के यहाँ शादी में जाना है। तुम्हारी मम्मी और गोपी दोनों उनके यहाँ ही है। हमें आते आते उन्हें भी ले आना है। कल मेरा टेस्ट पेपर है पापा, मैंने मम्मी को बताया था, मैं नहीं आ सकती। आप जाओ, मम्मी और गोपी को भी लेकर आना। चलो अच्छा है, इसी बहाने हम जल्दी वापस तो आ जाएंगे, वरना शर्मा अंकल तो रात भर रुकने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। ओके पापा। पापा के जाने के बाद मीनू पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई है। उसके रूम को छोड़कर बाकी सारे कमरे में अंधेरा हुआ पड़ा है। वह लाइट भी चालू करना भूल गई है। अभी वो यहाँ वहाँ देख ही रही है कि तभी घड़ी में टुन टुन की आवाज सुनकर वो चौंकती है। देखती है दीवार घड़ी में रात के 10 बजे के बेल बज रहे हैं। वो घबरा जाती है। बाप रे, रात के 10 बज गए, मम्मी पापा और गोपी अभी तक नहीं आए। हेलो पापा, आप लोग अभी तक नहीं आए? अरे वो शर्मा आंटी ने तुम्हारी मम्मी को रोक लिया है। मैं गोपी को लेकर तुम्हारे लिए निकल गया हूँ, बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। जल्दी आओ ना पापा, रात हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है ना, आजकल रात को शहर की सोसाइटी में भूत आ रहे हैं। अरे पापा की बहादुर बेटी होकर डरती है, बस हम पहुँच ही रहे हैं। बचाओ बचाओ पापा, बचाओ। कौन है, कौन है? पापा 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 पापा, कहाँ हो आप पापा? भूत भूत बचाओ, भूत भूत भूत, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। मीनू मीनू क्या हुआ? अरे ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ पापा। पापा पापा पापा, भूत सोसाइटी से हमारे घर में आ गया, बचाओ पापा बचाओ। अरे कहाँ आ गया भूत, कहाँ है? यही था पापा, अपने घर में, अभी अभी अपने आप अपने घर का दरवाजा भी खुला। अरे डरपोक कहीं की, वो तो मैंने खोला, ये देख चाबी। मैंने बाहर से भूत की आती हुई चीख भी सुनी। वो मैंने भी सुनी, आओ तुम्हें वो चीखता हुआ भूत दिखाता हूँ, आओ। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे गोपी के होते हुए तू डर रही है, चल। ये देखो, तुम्हारी मम्मी ने ये वास्तु का आइटम लगा रखा है ना, और बाहर हवा चल रही है, हवा इस बम्बू से गुजरती है तो इसमें से आवाज आती है, सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई चीख रहा है। हाँ ये देखो, अभी भूत चीखेगा, देखा? पर आप लोगों ने नहीं देखा पापा, भूत ने किचन में बर्तन गिरा दिए, वॉश बेसिन का नल अपने आप चालू हो गया। क्या पापा, पापा पापा, क्या हुआ पापा, आप भागे क्यों? मैं तुम्हारी बात सुनकर समझ गया, मम्मी ने जाने से पहले नल चेक करके बंद नहीं किया था, और 10 बजे पानी आता है, जैसे ही 10 बजे पानी आया, कोक चालू होने की वजह से नल अपने आप चालू हो गया, और ये बर्तन धोने के बाद मम्मी एक दूसरे को टिका कर रख दी है, ताकि इसमें से पानी निकल कर बर्तन अच्छे से सूख जाए। हवा चलते ही ये गिर गई, और तुम समझी भूत ने गिरा दिया। ओ, पर पापा आपको पता है, मेरे कमरे का टीवी अपने आप चालू हो गया था। नहीं मीनू, वो तुमने सवेरे भूत की बात की थी ना, रात को 10 बजे एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी, जिसमें बताया जाना था कि भूत भूत कुछ नहीं होता, सब हमारा वहम है, तो मैंने टीवी में अलार्म लगा दिया था, ताकि बिना भूले तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्री दिखा सकूं, पर मैं चला गया और तुम्हें बताना भूल गया, 10 बजते ही टीवी अपने आप ऑन हो गया। और ये डरपोक समझी कि भूत ने ऑन किया है। हाँ भैया, इसका मतलब भूत सचमुच कहीं भी नहीं था। जब भूत होते ही नहीं है तो कहाँ से होगा? पर मेरे बेडरूम में मैंने भूत की परछाई देखी थी पापा, आइए आपको भी दिखाती हूँ, भैया आप भी चलो मेरे साथ। वो देखो पापा, है ना भैया भूत की परछाई। अपोजिट साइड में देखो, हैंगर में तुम्हारा ड्रेस लटक रहा है, ये उसी की परछाई है। इसका मतलब पापा भूत कहीं भी नहीं था, मैं तो बिना वजह ही डर गई थी। अरे वही तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। अच्छा हुआ पापा आप लोग मुझे अकेला छोड़कर गए थे, आज एक बात तो समझ में आ गई कि भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब हम इंसानों का वहम है। मीनू और उसके पापा बैठे सांप सीढ़ी खेल रहे थे,
तभी गुस्से में भनिया गोपी स्कूल से लौटता है। क्या हुआ गोपी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पापा, मैं अभी स्कूल से लौट रहा था, तभी देखा वहाँ 2-3 लड़के बैठे पत्ते खेल रहे थे। मैं देखने लगा, तभी पुलिस ने आकर मेरा कान मरोड़ दिया। तो तुम्हें वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए था बेटा। क्यों ना खड़ा रहूं? रास्ते पर खड़े रहने में क्या बुराई है? वही तो पापा, भैया सही कह रहे हैं। चलो मैं भी मान जाऊंगा गोपी सही कह रहा है, अगर तुम दोनों मेरे काम कर दो तो। अपनी बात मनवाने के लिए एक क्या हम 10 काम करेंगे, क्यों भैया? करेक्ट। ओके, ये लो इस पत्थर को लेकर तुम चौक के फुटपाथ पर बैठ जाओ। कोई खरीदार आकर पूछेगा कितने का है तो तुम कीमत मत बताना, सिर्फ 5 उंगली दिखा देना। उससे क्या होगा? उंगली दिखाने के बाद वो जो भी कहे सुनकर आ जाना। और पापा के कहने के मुताबिक दोनों भाई बहन चौक के फुटपाथ पर पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी आकर पत्थर देखता हुआ पूछता है, क्यों बेटे ये पत्थर कितने का बेचोगे? 500 रुपए। ठीक है, मैं अभी सामने वाले एटीएम से पैसे लेकर आता हूँ, कहता हुआ वो एक तरफ जाता है। तैसे ही गोपी मीनू के साथ अपना सामान उठाता हुआ सीधा अपने घर पापा के पास पहुंचता है। पापा पापा पापा, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मेरे 5 उंगली दिखाते ही एक कस्टमर कहने लगा 500 रुपए। ठीक है, मैं इसके 500 रुपए देने को तैयार हूँ। हाँ पापा, हमारी समझ में नहीं आया इस पत्थर के वो 500 रुपए देने को क्यों तैयार हो गया। हाँ, हमने कहा पापा से पूछ कर आते हैं फिर आपको देंगे। वेरी गुड, अब तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाओ और वहाँ कोई भी पूछे कितने का है तो उसे भी कुछ मत कहना, सिर्फ 5 उंगली दिखा देना। उससे क्या होगा? उंगली दिखाने के बाद वो जो भी कहे सुनकर सेम आ जाना। और पापा के कहे मुताबिक दोनों भाई बहन शहर के म्यूजियम में जाते हैं और पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। तभी एक पैसे वाली मॉडर्न लेडी आकर पत्थर देखती हुई पूछती है, अरे वाह, ये पत्थर, इसे बेचना है? कितने का? 5000। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू आंटी, मैं अभी अपने पापा से पूछ कर आता हूँ। ओके बेटा, ये मेरा नंबर है, मैं म्यूजियम में घूम कर आती हूँ, तब तक तुम अपने पापा से पूछ कर आओ, पर सेल डन है। कहती हुई वो म्यूजियम के अंदर जाती है। तैसे ही गोपी मीनू के साथ अपना सामान उठाता हुआ सीधा अपने घर पापा के पास पहुंचता है। पापा पापा, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। मेरे 5 उंगली दिखाते ही आंटी कहने लगी वो इसके 5000 देने के लिए तैयार है, और सौदा डन कर गई। हाँ पापा, हमारी समझ में नहीं आया इस पत्थर के वो 5000 रुपए देने को क्यों तैयार हो गई। हमने उन्हें भी कहा हम पापा से पूछ कर आते हैं। वेरी गुड, अब तुम इस पत्थर को लेकर पूजा प्रार्थना ग्रह स्टोन की दुकान पर जाओ, वहाँ कोई भी पूछे तो सेम 5 उंगली दिखा देना। ओके पापा। और पापा के कहे मुताबिक दोनों भाई बहन शहर की पूजा प्रार्थना ग्रहों के स्टोन वाली दुकान के बाहर पत्थर लेकर बैठ जाते हैं। तभी एक बिजनेसमैन टाइप आदमी वहाँ आता है और उनके पत्थर को देखता हुआ कहता है, वाह ये पत्थर, बहुत दिनों से मुझे एक ऐसे ही पत्थर की तलाश थी, बेचना है इसे, कीमत बोलो। 50000। ओके डन, मैं इसके 50000 देने को तैयार हूँ। ओके अंकल, पर हमें पापा से पूछने जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पूछ कर आओ, तब तक मैं बाकी चीजें देख लेता हूँ। कहते हुए वो बाकी के सामान की ओर बढ़ जाता है। तैसे ही ये दोनों अपना सामान उठाकर वहाँ से सीधा पापा के पास पहुँचते हैं। पापा, इस बार तो कमाल ही हो गया, हमारे 5 उंगली दिखाते ही एक आदमी इसके 50000 देने को तैयार हो गया। समझ में नहीं आया पापा, ऐसा क्यों? तुम्हारी समझ में आया गोपी? नहीं पापा। तुमने कहा था ना, तुम स्कूल से आ रहे थे, वहाँ कुछ बच्चे पत्ते खेल रहे थे, तुम देखने लगे, तभी पुलिस ने आकर तुम्हारा कान मरोड़ दिया। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि हर चीज, हर इंसान की कीमत उसकी जगह के हिसाब से होती है। तुमने खुद देखा ना, पत्थर वही था पर रास्ते के फुटपाथ पर उसकी कीमत 500 थी, म्यूजियम में वही कीमत 5000 हुआ, और ग्रहों के स्टोन की दुकान पर उसी पत्थर की कीमत 50000 हो गई। समझ गए? समझ गए पापा,
इंसान को हमेशा अच्छी जगह और अच्छे लोगों में ही बैठना चाहिए, तभी उनकी सही कीमत और इज्जत होती है।